इसी बीच अब एक और बड़ी खबर से आपको रुख करवा देते हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर की छापेमारी लगातार जारी है। टैक्स चोरी को लेकर विवादों में रहा श्री सीमेंट ग्रुप, ओवरलोडिंग मामले में भी सामने आई भारी अनियमितताएं। तो बड़ी खबर श्री सीमेंट ग्रुप को लेकर, श्री सीमेंट पर आयकर की छापेमारी लगातार जारी है। सीमेंट बैग्स निर्माण पर भी भारी टैक्स चोरी सामने आई है। रॉयल्टी माइनिंग में ग्रुप के बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार लगातार जारी, तो आयकर विभाग के अधिकारियों को करोड़ों रुपए के काली कमाई के दस्तावेज भी मिले हैं। आईटी रेड से ग्रुप संचालकों की बढ़ सकती है मुश्किलें। श्री सीमेंट के कारोबारी स्थलों पर आयकर सर्वे जारी है, बढ़ सकता है जांच का दायरा। जिस तरह से जांच चल रही थी, अब दायरे को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के दस्तावेज मिले हैं उसको देखकर अब जांच और स्ट्रिक्ट होगी और अब जांच का दायरा भी बढ़ सकता है। तो कंपनी के आयकर छूट के दावों की पड़ताल जारी है। करीब 3,000 करोड़ की छूट के दावों पर सवालिया निशान आकर खड़ा हो गया है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के नाम पर आयकर छूट संदेह के दायरे में। श्री सीमेंट पर आयकर की यह छापेमारी लगातार जारी है। कंपनी के आयकर छूट के दावों पर पड़ताल जारी। करीब 3,000 करोड़ की छूट के दावों पर सवालिया निशान आकर खड़ा हुआ। बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं। टैक्स चोरी को लेकर विवादों में रहा श्री सीमेंट ग्रुप, ओवरलोडिंग मामले में भी सामने आई भारी अनियमितताएं। कई अनियमितताएं ऐसी हैं, और कई, चाहे वो रॉयल्टी हो, माइनिंग में ग्रुप के बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार हो, ये कई ऐसे मामले जो सामने आए। आईटी रेड से ग्रुप संचालकों की मुश्किलें भी अब बढ़ सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए गौरव गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, श्री सीमेंट ग्रुप पर आयकर की छापेमारी अभी जारी है और टैक्स चोरी को लेकर विवादों में श्री सीमेंट ग्रुप रहा है, क्योंकि ओवरलोडिंग के मामले भी अभी सामने आ रही है जिसमें भारी अनियमितताएं हैं। साथ ही सीमेंट के बैग के निर्माण में भी टैक्स चोरी का नाम आया है और रॉयल्टी माइनिंग ग्रुप में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से जो है काला काम ये किया जा रहा था, जिसको भी उजागर किया जा रहा है। जांच अभी चालू है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि संचालक भी प्लांट में मौजूद होना बताया गया है। वहीं आयकर विभाग के अधिकारी जो अनियमितताओं को लेकर पूछताछ कर रहे हैं, इसके लिए उन्हें बहुत सारे ग्रुप के बुक्स और अकाउंट्स जो हैं वो सामने आए, ताकि जो टैक्स चोरी के जो काले कारनामे हैं वो इन साथ खुल चुके। देखिए, इसके अंदर इनकम टैक्स ने ब्यावर, नसीराबाद, कलकत्ता, गुड़गांव एक साथ जो ये दबिश देकर ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से इनकम टैक्स के हाथ में कुछ बहुत ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिससे इस चोरी को अब कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन इनकम टैक्स की तत्परता से, टीम की कार्रवाई से ये सारी चीजें उजागर हो गई हैं। गौरव, जिस तरह से अब लगातार नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं इस पूरी रेड में जो आयकर की छापेमारी है, चाहे वो दस्तावेज को लेकर हो, चाहे वो मैनेजमेंट प्लांट आपने जैसा बताया, और क्या कुछ बड़े खुलासे होने के आसार दिख रहे हैं? जी, जैसे कि इस कार्रवाई को इनकम टैक्स ने इन्वेस्टिगेटिव तरीके से जो है अंजाम दिया था, और जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को लेकर के, जैसे कि हमारी पहले भी चर्चा हुई थी कि इनको टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर आईटी के रेड जो है वो चलाई गई है, और इसके ऊपर कुछ छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि आयकर छूट के दावों की भी पड़ताल की गई थी। इसके अंदर श्री सीमेंट ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, इनके नाम पर भी बहुत मोटी रकम जो है वो आयकर छूट के ये उठाई थी, और अब ये सारी चीजें उसके दायरे में भी आ सकती हैं। ठीक है गौरव, लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो गौरव गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। तो बड़ी अपडेट फिलहाल यही, लगातार छापेमारी जारी है और कई ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जिनको लेकर अब लगातार जांच की जाएगी। आईटी रेड से ग्रुप संचालकों की अब मुश्किलें भी बढ़ सकती है, ऐसी खबरें सामने आ रही है, और जांच के दायरे को भी अब बढ़ाया जा सकता है।